वेलकम बैक टू माय चैनल पायल विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पायल विश्वकर्मा में, यूट्यूब चैनल पायल विश्वकर्मा में। तो दोस्तों, आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में और देखिएगा ज़रूर। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक और चने की दाल की सब्जी। बहुत ही मस्त और टेस्टी सब्जी बन के रेडी होती है, तो आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में और देखिएगा ज़रूर। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ क्या मुझे मतलब सब्जी में क्या क्या पड़ता है और कैसे बनती है। तो चलिए आप लोगों को आगे मैं दिखाती हूँ। पहले मसाला है, ये देखिए अदरक है और प्याज काट लिया है मैंने और लाल मिर्च लिया है 4-5 और इसमें गर्म मसाला है, इसमें मिक्सिंग है, धनिया है, इलायची है, बड़ी काली मिर्च है, जीरा है, मतलब और सब मिक्सिंग मसाला है। और इधर मैं ले ली हूँ चना पीस के, चने की दाल जो थी वो मिक्सर में पीस ली हूँ। और ये है पालक, अब इसको मिक्स करूँगी, सब मिक्स करके इसको आटे की तरह गूँथूँगी और मसाला पीस के मैं रेडी कर लेती हूँ। वो हमने चने की दाल को पीस के पालक में रख लिया है और इसमें डालूँगी थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच नमक। अब ये सब सारी चीज़ें मिक्स करूँगी मैं अच्छे से। तो चलिए मिक्स करने के बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। इसको अच्छे से मैश कर लेती हूँ ऐसे। ये देखिए दोस्तों, मैंने मिक्स कर लिया है इसको अच्छी तरह से सब। अब इसको मैं बनाऊँगी ऐसे ऐसे करके, इसको उबालूँगी मैं बाफ में इसको पकाऊँगी। चलिए जल्दी जल्दी बाफ में पका लेती हूँ इसको मैं। दोस्तों हमने पतीले में पानी रख के गैस पे रख दिया है और ये हरा बनाने वाला जो टोकरी होती है उसको रख दी हूँ। अब इसको ऊपर से ढकूंगी, उसके बाद ये गर्म हो जाएगा, पानी गर्म होगा, जब उसमें से भाप निकलेगी तब इसको मैं छोटा छोटा टिक्की बना बना के इसमें डालूंगी भाप होने के लिए। तो जब तक गर्म हो रहा है पानी, तब तक आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर जो लोग नए हो वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक अच्छा सा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मसाला पीस के रेडी हो चुका है, इसमें और भी मसाला मुझे थोड़ा डालना है, तो चलिए डाल देती हूँ फटाफट। तो इसमें डालूंगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर और ये है गरम मसाला राजेश, ये डालूंगी और थोड़ा सा डालूंगी ये है लाल कस्तूरी मिर्च, बस अब इसमें कुछ नहीं डालूंगी मैं। तो ये देखिए दोस्तों, बाफ निकलना चालू हो गई है, तो चलिए मैं टिक्की बना बना के जल्दी डाल देती हूँ इसमें। तो इतना मैंने डाल दिया, अब इसको ढक देती हूँ और इतना बाद में डालूंगी, 5 मिनट के बाद ये थोड़ा पक जाए, इसके ऊपर डाल दूंगी दोस्तों तो चिपक जाएगा, तो थोड़ा 5 मिनट के बाद मैं डालती हूँ, 5 मिनट वेट करूंगी, उसके बाद फिर से दोबारा डालूंगी इसके ऊपर से। तो देखिए दोस्तों 5 मिनट हो गया, देखते हैं अभी इसको, ये पक चुका है, अब दूसरा तवा इसमें डालेंगे इसके ऊपर। ये सब डाल दिया है मैंने, अब इसको ढक देती हूँ, 10 मिनट के लिए पकने दूंगी और इधर कढ़ाई चढ़ाती हूँ मसाला भूनने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, कढ़ाई रख चुकी हूँ, अब इसमें डालूंगी तेल कढ़ाई गर्म होने के बाद, उसके बाद डालूंगी इसमें जीरा। तो चलिए डालती हूँ फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए दोस्तों, तेल मैंने डाल दिया कढ़ाई में, अब 2 मिनट तेल गर्म होने का इंतजार करूँगी, उसके बाद डालूंगी इसमें जीरा। तेल गर्म हो चुका है, ये देखिए दोस्तों तेल गर्म हो चुका है, जीरा मैंने डाल दिया है, अब इसमें डालना है मुझे मसाला जो कि मैंने पहले से ही पीस के रेडी किया हुआ है। तो अब डालूंगी मैं इसको इसमें, मसाले को 2 से 3 मिनट पकाऊंगी मैं। तो उसको मसाला खोल के देखती हूँ, धीरे धीरे इसका रंग देखिए चेंज हो रहा है, थोड़ा सा और पकाऊंगी इसको मैं। इसको धीमी आंच पे पकाना है, तेज आंच पे नहीं पकाना है और ढक के पकाना है। तो फिर से इसको मैं ढक देती हूँ, ढक देती हूँ, 2 मिनट और पकाऊंगी और तब तक इधर देख लेती हूँ ये हुआ कि नहीं, इसको चेक कर लेती हूँ। ये भी हो गया है दोस्तों, लगभग लगभग पक चुका है ये, अब इसको ये पूरा पक चुका है, गैस बंद कर देती हूँ मैं और इसको ऐसे खुलता ही रहने दूंगी ठंडा होने के लिए, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। मसाला भी तैयार हो चुका है तो ठंडा हो जाएगा, जितना जल्दी ग्रेवी बना के उतना। देखिए दोस्तों, मसाला पक चुका है हमारा, एकदम पूरा पक के तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी दोस्तों, मैं वही चने की दाल वाली पानी ऐड कर रही हूँ। और डालूंगी इसमें जो पूरा है, मैं पूरा ही डाल देती हूँ। ये देखिए हमने पानी ऐड कर दिया है, अब इसमें नमक डालूंगी और इसको ढक दूंगी इसको पकने के लिए। और इधर मैं टिक्की निकाल के रख ली हूँ,
ये 5 मिनट पक जाएगा, फिर ये टिक्की इसमें उठा के डालूंगी मैं। ये देखिए दोस्तों, ग्रेवी हमारी पक चुकी है, अब ये टिक्की इसमें डालूंगी मैं। तो चलिए फटाफट से टिक्की डालती हूँ इसमें उठा के मैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने सारी टिक्कियाँ डाल दी हैं इसमें, अभी इसको मैं ढक दूंगी। ढकने के बाद 5 मिनट तक पकाऊंगी, उसके बाद गैस को बंद कर दूंगी। तो चलिए ढक दें। ये देखिए दोस्तों, 5 मिनट हो चुके हैं और प्लेट मैंने उतार लिया है, और इसमें डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया। और इसको चला दूंगी थोड़ा सा। और एक बार फिर से इसको ढकूंगी 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गया दोस्तों, अब मैं इसको देखती हूँ। हमारी सब्जी पूरा पक के तैयार हो चुकी है, अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। ये देखिए दोस्तों, कितनी लबाबी सब्जी हुई है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है ये सब्जी। तो चाहे पराठा से, चाहे पूड़ी से, चाहे रोटी से, इसको बहुत ही मतलब टेस्ट लगता है इसको, चाहे जिससे खा सकते हैं आप। तो चलिए, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा, मैं चली खाने इसको। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे मेरे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और एक अच्छा सा और प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा सब्ज़ी कैसी बनी है। तो इसमें से सब्ज़ी थोड़ा सा निकाल के आप लोगों को मैं दिखाती हूँ दोस्तों। ये देखिए कटोरी में, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है इसमें से।